नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये इस तरह का निटिंग डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह से देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस डिज़ाइन को अपने किसी भी स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर या फिर जुराब का डिज़ाइन या किसी में भी, जिसमें भी इस डिज़ाइन को आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये गांठ वाला डिज़ाइन है, देखें कैसे इसमें ये गांठें उभर के आई हुई हैं। ये यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है डिज़ाइन। और मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है ये, आप इसे किसी भी अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मफलर बनाए इससे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसको मैंने पहले नीचे बॉर्डर बनाया है, उसके बाद एक सिलाई सीधी और उल्टी बनाई है, उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन शुरू किया हुआ है। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन मैं आपको इसमें बनाना बताऊंगी। अब हम इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाने लग रहे हैं। इसमें मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है नीचे से, उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाने के बाद डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड में शुरू करने जा रही हूँ मैं। इसके लिए हम पहले ये वाला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे, और ये फंदा, अगला फंदा हमने उल्टा बुनना है। इस तरह से ये दो हमारे उल्टे आ गए और ये धागा उधर लेके जाना है। अब हमने तीन फंदे सीधे बुनने, दो तीन, इस तरह से धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये फाइव के मल्टीपल डिज़ाइन चलेगा और तीन फंदे सीधे, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है हमने। वन टू थ्री, दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे, उल्टी सिलाई जो है वो इसमें हमने पूरी उल्टी डालनी है। दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये इसकी मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली, रो इसकी। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है और सिलाई नंबर दो। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये पूरी रो हमने उल्टी बुननी है, इस तरह से ऐसे ये सारी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। अब मैं आपको तीसरी सिलाई में बताती हूँ इसको बुन के। आइए डिज़ाइन की तीसरी लाइन शुरू करते हैं। यहाँ से राइट साइड है, ये थर्ड रो है। अब देखिए, हमने ये वाला फंदा बिना बुना उतारा और इसको हमने उल्टा बुन लिया, ठीक है जी। अब हम धागे को उधर लेके गए हैं इस तरह से, और अब हमने ये तीन लेने हैं, जो हमने पहले तीन फंदे सीधे बुने थे वो वाले फंदे हैं हमारे पास। इनको हम इस तरह से लेंगे, देखिए एक ही उस पर चढ़ा लिए, इसको हम पीछे लेके जाएंगे ऐसे, और इन्हें पीछे की साइड से सीधा बुन लेना है इस तरह। अब हम इस धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे और इन तीन फंदों को इस दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे ऐसे। अब हमने इस धागे को उधर लेके जाना है और ये जो तीन फंदे हैं हमारे, इनको फिर से हमने इस पर चढ़ा लेना है। आप देखिए, अब हमने फिर से इन तीन फंदों को पीछे की साइड से सीधा बुनना है इस तरह से, देखिए ऐसे। अब हमने इनको उतारना नहीं है अभी, इसको धागे को अपनी तरफ लेके आना है और इन फंदों को फिर से हमने इस तरह से उतारना है, धागों को उधर लेके जाना है, और इन तीन जो फंदे हैं हमारे, इन्हें फिर हम सिलाई पे लेंगे। ये तीन फंदे लेने हैं हमने, ये देखिए, ये हमारे तीन फंदे हैं। यहाँ से इन तीन फंदों को सिलाई पे लेंगे और ये हमारे यहाँ पे इधर दो आ गए। अब हमने फिर से वैसे ही करना है, इनको इस तरह से लेंगे, पीछे की साइड से इसे फिर से हमने सीधा बुनना है और इसे उतार देना है। ये देखिए, ये ऐसे आ गई, धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर और इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हमने आगे फिर से वैसे ही करना है, धागे को उधर लेके जाना है, इन तीन फंदों को हमने इस तरह से पीछे लेके जाना है और इसे सीधा बुनेंगे हम।
ये देखिए ऐसे, और धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे। फिर हमने इन तीन फंदों को इधर कर लेना है इस सिलाई पे, पहले वाली पे, धागे को उस तरफ दूसरे पास से लेके जाएंगे। फिर तीन फंदों को फिर से हमने इसी सिलाई पे चढ़ा लेना है, और देखिए फिर से हमने इनको सीधा बुनना है इस तरह से। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, ये हमारे पास अब दो फंदे हो गए। अब हमने फिर से धागा इधर लेके आए, इन तीन फंदों को हम इधर उतारा हमने, इस धागे को हम उधर लेके गए, और ये यहाँ से फिर से हमने तीन फंदे इधर चढ़ाए इस सिलाई पे। अब हमने इनको फिर से सीधा बुनना है पीछे की तरफ से। तीन सीधे फंदे हैं तो ये तीन बार ही सीधे बुने जाएंगे, लेकिन पीछे की साइड से। देखिए ऐसे ये आ गया। अब हमने धागा अपनी तरफ लेके आना है और दो फंदे उल्टे बुन देंगे। देखिए इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर से वही रिपीट है, ये धागे को हम तीन, ये पीछे की साइड से हमने इसको सीधा बुनना है। इस तरह से धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर तीन फंदों को इस पे उतारा सिलाई पे, धागा उधर लेके गए, और इन तीन फंदों को इस तरह से कर लिया, फिर इसको सीधा बुन दिया ऐसे, और फिर धागा अपनी तरफ, फिर इन तीन फंदों में ऐसे डाला, इसको पीछे की साइड लेके गए, सॉरी ये इन तीन फंदों में ऐसे डाला, इसको उतार लिया, धागे को पीछे लेके गए, इन तीन फंदों को फिर से हमने सीधा बुन लिया इस तरह से। ये देखिए ये हमारे पास तीन फंदे थे, ये तीन इधर पूरे हो गए, इनको तीन को इस तरह से उतार देना है। ये देखिए ये हमारी गांठ बन गई है ऐसे, ये यहाँ से। अब हमने फिर से पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है, और उल्टी सिलाई इसमें सारी उल्टी बुनी जाएगी। बस ये एक गांठ वाला डिज़ाइन है ये, और उसके बाद हमारे ये एक सीधी और एक उल्टी सिलाई, तीन फंदे सीधे और दो उल्टे, वही रिपीट आएगा इसमें। इसके बाद ये बनाने के बाद हम एक सिलाई उल्टी लेके आएंगे, चौथी सिलाई उल्टी आएगी, पांचवी सिलाई हमने वैसे ही रखनी है, तीन दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, और छठी सिलाई हमने वैसे ही उल्टी रिपीट करनी है। इसकी सेवन्थ जो सातवीं सिलाई आएगी उसमें ये डिज़ाइन फिर से रिपीट होगा। इस तरह से डिज़ाइन है ये। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।